अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि आप किस तरह 2D ड्राइंग से एक 3D मॉडल बना सकते हैं। हमारे पास ये एक 2D ड्राइंग है और इसके हमारे पास दो व्यू मौजूद है, टॉप व्यू और इस तरह फ्रंट व्यू। तो इन दोनों व्यू और इन डायमेंशन को यूज़ करके हम इस ड्राइंग से एक 3D मॉडल बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा जिसके हमारे पास डायमेंशन है 50 और 50 बाई 50। तो स्क्वायर बनाने के लिए मैं रेक्टेंगल कमांड को यूज़ करूँगा। रेक्टेंगल के लिए REC टाइप करके एंटर करें और उस तरह स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। उसके बाद फिर मैं यहाँ से शॉर्टकट मेन्यू में से डायमेंशन वाला ऑप्शन को चूज़ करूँगा। उसकी मैं लेंथ दूंगा 50 और जो उसकी चौड़ाई है वो भी 50 है, तो 50 टाइप करके एंटर करने, फिर इसके बाद अपने क्लिक करना है। इसके बाद हम अगर आप देख लें यहाँ पे इस ड्राइंग में तो पाइप चारों तरफ से अंदर की तरफ एक ऑफसेट लगी हुई है, तो मैं भी स्क्वायर के अंदर की तरफ एक ऑफसेट लूँगा। तो इसके लिए मैं ऑफसेट कमांड यूज़ करूँगा। ऑफसेट के लिए टाइप करके एंटर करें और इसकी ऑफसेट की जो वैल्यू हमारे पास है वो पाइप है, तो पाइप टाइप करके एंटर करें। उस तरह इस स्क्वायर पे क्लिक करके अंदर की तरफ आप एक ऑफसेट लगाएं। इसके बाद मैं एक लाइन लगाऊंगा इस कॉर्नर से लेकर जो इस कॉर्नर तक है, और फिर मैं अगेन ऑफसेट कमांड को एक्टिव करूँगा और इस लाइन से जो कॉर्नर टू कॉर्नर है ऊपर की तरफ एक ऑफसेट लूँगा 2.5 की, और नीचे की तरफ एक ऑफसेट लूँगा 2.5 की। इसके बाद जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट है इसको मैं ट्रिम कर लूँगा ट्रिम कमांड के जरिए। तो इस तरह ये भी ट्रिम कर ले, ये भी ट्रिम कर ले, उस तरह हम ये भी ट्रिम कर लेंगे। इसके बाद यह ये भी ट्रिम करना है, इस तरह ये भी ट्रिम कर ले और ये भी ट्रिम कर ले, ये भी ट्रिम कर ले। इस तरह जो ऑब्जेक्ट रह जाते हैं सिंपल वो सेलेक्ट करके आप ई टाइप करें एरेस के लिए, ये टाइप करें तो इस तरह आपके पास ये जो सिलेक्शन है इस तरह ये ऑब्जेक्ट हमारे पास एरेस हो जाएंगे। इसके बाद हमने जो अंदर की तरफ ऑफसेट लिए हुए थे एक स्क्वायर बना हुआ था, अगर आप देख ले तो हमारे पास यहाँ पे दो की रेडियस लगा हुआ है। तो रेडियस लगाने के लिए हम फिलेट कमांड को यूज़ करेंगे। तो फिलेट के लिए सिंपल एप टाइप करके एंटर करें और मैं ऐसे रेडियस वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा और हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू है वो 2 है, 2 टाइप कर एंटर करें। चूँकि हमने 6-7 जगह पे हमने रेडियस लगाने, तो मैं ऐसे मल्टीपल वाला ऑप्शन को चूज़ करूँगा और इस तरह इस पर क्लिक करें। इस तरह जहाँ जहाँ रेडियस रिक्वायरमेंट है वहाँ उस जगह पे अपने क्लिक करना है, तो इस तरह आपके पास जो रेडियस है वो लग जाएंगे। इसके बाद हम अगर आप देख ले तो हमारे पास ये एक 2D एनवायरनमेंट है, तो इसको हमने चूँकि हमने 3D मॉडल एक तैयार करना है तो इसका एनवायरनमेंट भी 3D होना चाहिए। तो मैं सिंपल इस होम बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, इस तरह हमारे पास एक 3D एनवायरनमेंट में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से इसको 2D वायरफ्रेम से हटा करके रियलिस्टिक में कर लेता हूँ, और इसके बाद हम एक्सट्रूड कमांड यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे पास एक्सट्रूजन कितना है ये भी पता होना चाहिए। अगर आप देख लें यहाँ पे तो हमारे पास एक्सट्रूड की जो वैल्यू है वो 6 है, या हाइट के लिए इसकी जो हाइट है वो 6 यूनिट है, तो हम एक्सट्रूड कमांड को यूज़ करेंगे इसको हाइट देने के लिए। तो सिंपल इस स्क्वायर को सेलेक्ट करें, इसके बाद प्रेस दबाएँ एंटर दबाएँ और इसकी हम हाइट देंगे 6। इसके बाद हम पूरी ऑर्बिट को यूज़ करके इसको हम रोटेट कर लेंगे ऑर्बिटो, और उसके बाद हम जो है प्रिंसिपल कमांड को यूज़ करेंगे इसमें ये सुराह वगैरह बनाने के लिए। तो मैं ऐसे प्रिंसिपल कमांड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल इसके अंदर आपने क्लिक करना है और बाहर की तरफ लेकर जाना है, इस तरह यहाँ भी आपने करना है। तो इस तरह आपके पास ये हमारे पास एक एटम बन जाएगा। और इसके बाद हम पाथ अरे को यूज़ करेंगे, चूँकि हमारे पास यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो 6 एटम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसी के लिए हम पाथ अरे को यूज़ करेंगे, लेकिन पाथ अरे को यूज़ करने से पहले हमें एक पाथ भी होना चाहिए और इसकी डायमेंशन भी होनी चाहिए। तो हमारे पास जो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 275 है, तो मैं एक 275 की एक लाइन लगाऊंगा पाथ अरे को यूज़ करने से पहले। तो लाइन कमांड के जरिए एक लाइन लगाएं आप जिसकी लेंथ 275 हो। इसके बाद हम मूव कमांड के ज़रिए हमारे पास ये जो एटम है इसको इस कॉर्नर से पकड़ करके हम मूव कमांड के जरिए इस लाइन के स्टार्ट में हम इसको प्लेस कर लेंगे। इसके बाद हम पाथ अरे को यूज़ करेंगे। पाथ अरे के लिए अगर आपने एक्सेस करना है होम टैब में आना है, फिर होम टैब में आने के बाद फिर आपने मॉडिफाई पैनल में आना है, और यहाँ से इस ड्रॉप डाउन इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर तीन किस्म के अरे मिल जाएंगे, रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे, पोलर अरे। तो मैं इसे पाथ अरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट,
उसके बाद आपने प्रेस एंटर करना है, उसके बाद फिर आपने पाथ को सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पे हमारे पास जो दो एटम के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 45 है, तो दो एटम के दरमियान जो यहाँ पे 75 है, तो मैं इसको 45 कर लेता हूँ। और हमारे पास एटम, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो 6 है। इस तरह यहाँ पे आपने 6 टाइप करके एंटर करना है। तो इस तरह आपके पास इसके जो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है 6 आइटम के हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये एक 2D ड्राइंग थी और इसकी दो व्यू हमारे पास मौजूद थे, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, और इसको हमने ऑटोकैड में 3D में कन्वर्ट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो प्रोसेस हमने यूज़ किया इस वीडियो में या जो कमांड हमने अप्लाई किए वो आप सीख चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।